कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं आपके खिलाफ हड़ताल पे हूँ अम्मी, इसलिए बनाई हुई सारी लेस वापस ले रही हूँ। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो इसे। नफीस से माफी मांग ले, छोड़ दूंगी। नहीं मांगूंगी। तो फिर लेस को भी भूल जाया। अच्छा ऐसा है? अच्छा तो फिर जाओ, फिर वो सारा जेवर लेके आओ जो तुम्हें मैंने शादी में दिया था। ओ, गोल्ड का इस बात से क्या ताल्लुक है? बिल्कुल है। हड़ताल करने वाली बहू के हाथ में गोल्ड हो, ये मैं नहीं चाहती। अम्मी, मुझे लगता है आप नफीस से माफी मांगेंगी। रुके जरा देखूं। कसम से मांगेंगी। अंदर जाओ और गोल्ड लेकर आओ, समझी? अरे ये आपका जिद्दीपना। अरे मेरी प्यारी बेटी, आओ मेरे पास आओ। ओ मेरी प्यारी बेटी। अरे चाचा की परी, मुझे जान से भी मारेंगी तब भी नहीं दूंगी आपको। छोड़ो तुम इसे। सालगिरह का तोहफा है ये, वापस नहीं ले सकती। वापस ले रही हूँ। ये नहीं, ये मेहताब भाई ने दिया था। आंखें खोल के देखें, लाए मुझे दे। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे मुस्तफा देखो, अम्मी मुझसे सारे जेवर वापस ले रही हैं। पागल हो गई हैं, पागल। मैं पागल हो गई हूँ? तुम माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो। ये देखो मेरी सारी लेस का क्या हशर किया तुम्हारी पागल बीवी ने। कसम से अगर मैंने शादी की तो इस घर में कभी दुल्हन नहीं लाऊंगा। अगर ऐसी पागल दुल्हन लाओगे तो मत लाना, मुझे नहीं चाहिए। एहसान माने आप मेरा। अम्मी बहू तो बिल्कुल आपके जैसी है, पसंद नहीं क्या आपको? तौबा मुस्तफा, तुम मुझे अपनी अम्मी से मिला रहे हो, मैं याद रखूंगी। नहीं मेरा बिल्कुल वो बोलने का मतलब नहीं। बिल्कुल मेरे जैसी नहीं है। मेरे जैसा बनने के लिए दिन रात काम करना होगा। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत काम करती हूँ। आप जब तक नफीस से माफी नहीं मांगेगी मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। याद आया, उसका बाप मेरे घर आया था, कह रहा था मैं नफीस से माफी मांगू। और क्या, वो यहाँ कब आया था? आज आया था। वो कह रहा था कि लड़की शादीशुदा है, विदात के साथ शरई निकाह में शामिल है। तुम अब भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो क्या? तौबा तौबा, वो शादीशुदा है? नहीं है, उसके बाप ने उसकी शादी बगैर रजामंदी के करवाई है। इस तरह की कोई बात नहीं है। कह रहा था अपनी बच्ची की शादी करके मैंने अपना फर्ज अदा किया। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। अम्मी भी बिल्कुल दाऊद चचा की तरह ही बात कर रही हैं। अब ये दाऊद चचा कहाँ से आ गए? अदालत में विदात के खिलाफ गवाही देने वाले। अच्छा? थे। नफीस शादीशुदा है ये सुनकर बदल गए। मैं तो उनके मुंह पर भी ना थूकूं। दाऊद चाचा क्या जानते हैं उस बारे में? विदात ने दाऊद चाचा के घर पर जाकर उनको मारा। उसी तशद्दुद के खिलाफ वो गवाही देने वाले थे अदालत में। अरे नहीं देना है तो मत दे, मुझसे अच्छा कोई गवाह है क्या? फिर मुझे मसला नहीं है, वो यहाँ आके मुझे गोली भी मार दे तो। कैसे? क्या कैसे? आप गवाही देंगे क्या? हाँ, मैंने तुमसे वादा नहीं किया? नफीस और जीत की हिफाजत करूंगा। हाँ? अरे मुस्तफा कलीली, मेरे शेर जैसे शौहर। मैं भी गवाह हूँ, मैं भी गवाही दूंगा। मैं भी। हाँ। ओ, अम्मी अब आपको भी चाहिए कि आप बोल दें मैं भी गवाही दूंगी।